ना हो और आ, आप प्रॉपरली एग्जाम दे पाए क्योंकि हम एक मिस्टेक की वजह से के, केवल एक छोटी सी गलती की वजह से हम ध्यान नहीं देते हैं बाद में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम वो एग्जाम दे ही नहीं पाते वो एग्जाम हॉल में मुझे बैठने ही नहीं दिया जाता तो विशेष ध्यान रखिएगा और लास्ट तक रुकेगा और अपने साथियों के साथ में भी इसको वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट पे आते हैं सबसे पहले तो जो आपका जो स्टार्ट होगा मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं कि आप फॉर्म फिल करना जो स्टार्ट करेंगे अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि टू फेज में आपका होगा मतलब दो दो पार्ट्स में यहां पर फॉर्म फिल होगा जिसमें पहला पार्ट आपका रजिस्ट्रेशन का होगा जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एनरोल करना होगा एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको लिंक आ, मिल जाएगा ठीक एस एस सी डॉट डॉट इन पर तो वहां पर जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है और वन टाइम पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वन टाइम अगर पुराना रजिस्ट्रेशन है तो चलेगा उसके बाद में आपको फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन आपको एग्जाम के लिए यहां पे फॉर्म फिल करना है तो अब यहां पर हम देखेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं उसको हम एक बार एक नजर डालेंगे और फिर हम आगे चलेंगे यहां पर आपके लिए देखो अभी ऑप्शन आएगा तो वहां पर आप इन इन आ, डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं एक तो आधार कार्ड आपका कंपलसरी आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड और पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कॉलेज आईडी हो या फिर एम्प्लॉयर आईडी हो या फिर आपका वोटर कार्ड हो कोई भी एक आईडी भी आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आप को एनरोल कराएंगे तब तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की और वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे और चलें और हम इस पर बात कर लें कि आपके लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा तो अगर आप किसी भी तरीके से मतलब आ, आपको कोई भी आ, दिव्यांग हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा है ना एंड साथ ही साथ में अगर हम बात करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे उसकी हम बात कर लेते एक बार पहले तो हम सीधे फॉर्म की तरफ ही चलेंगे कि जो एग्जैक्ट फॉर्म आपका फिल आप करेंगे वो फॉर्म आपका कैसा होगा किस टाइप का होगा तो उस फॉर्म की हम पहले बात कर लेते हैं कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म आपकी वेबसाइट जब आप आ, ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको खुल के आ जाएगा तो इसमें आपको बेसिक्स डिटेल्स जो अपनी फिल करनी है उनका विशेष ध्यान रखिएगा ये एसएससी की वेबसाइट का ही जो एक पेज आता है उस उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड होना तो कंपलसरी है ही तो यहाँ पर आपका डू यू हैव आधार तो यहाँ पर आपको yes करना है और अपना आधार नंबर फिल करना है फिर अपने आधार को यहाँ पर वेरीफाई करना है आप सभी ने ठीक है आधार अपना फिल करना है और आधार को यहाँ पर वेरीफाई करना है वहीं पे फिर अगर हम टाइप ऑफ आईडी की बात करें जहां पे हम ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट वोटर कार्ड इन सब की बात कर रहे तो तो एक आईडी आपके पास होनी चाहिए एंड उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे नाम आप कैपिटल लेटर में अपना फिल करेंगे सैंपल में मतलब आपको यहाँ पर अपना कैपिटल अपर केस में नाम फिल करना है फिर वेरीफाई करना है अपने नाम को आपने यहां से और और वहीं अगर आपने कभी भी बीच में अपना नाम चेंज किया है किसी भी डिग्री के टाइम पे कभी आप अगर स्कूल में जैसे टेंथ क्लास के बाद आपने ट्वेल्थ में अपना नाम चेंज कर लिया अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो आप यस करके और अपना जो चेंज नाम है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं तो इसके इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका यहां पर रहेगा आगे वहीं अगर हम बात करें ये मैं बात करता हूं, कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन के टाइम की ठीक है ये मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम की बात कर रहा हूं क्लियर चलो तो ये हो गया एंड इसके आगे अगर हम यहां पर चले थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से आगे देखोगे तो आपके लिए यहां पर फादर्स नेम मतलब आपके पिता का नाम जो है मतलब जितना भी आपको फॉर्म फिल करना है वो अपर केस में ही करना है वो आपका कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए तो फादर का नाम आप फिल करेंगे और उसके बाद में आपको वेरीफाई भी करना है आपके जितने भी रेड डॉट दिख रहे हैं और वहीं अगर मदर्स नेम की बात करें तो वो भी आपको पर वेरीफाई करना होगा अपनी मा, माता का नाम फिल करके फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रहता है ठीक है क्लियर नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा तो ये आप याद रखिएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो कि, किसके अकॉर्डिंग रहेगा वो टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रहता है और वहीं वेरीफाई अपने आप को करना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप वेरीफाई करेंगे वहीं एजुकेशन बोर्ड की बात करें तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड फिल करेंगे और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड मतलब आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हुए हैं उस बोर्ड का नाम ही फिल करें उस बोर्ड को ही फिल करेंगे ठीक और वहीं अगर हम बात करें कि अपने फिर से आपको वेरीफाई करना होगा मतलब जितनी भी चीजें आप फिल करेंगे उसको वेरीफाई करना होगा आपको फिर आगे आ जाती है बात रोल नंबर की मतलब जिसमें आपने ट्वेल्थ किया है या जो आप टें का बोर्ड फिल करेंगे ठीक है क्लास टेंथ का बोर्ड फिल करेंगे तो उसमें आपको अपना रोल नंबर भी फिल करना होगा तो जब रोल नंबर फिल करेंगे तो रोल नंबर को आपको वो जो टेंथ क्लास का रोल नंबर था उसको वेरीफाई भी करना होगा आपने है ना उसको आप वेरीफाई भी करेंगे और वहीं अगर हम बात करें ये तो हमने बात कर ली कि ये ये डिटेल आपको फिल करनी है आगे वहीं अगर हम देखें तो ये आपका एजुकेशन बोर्ड हो गया रोल नंबर हो गया वेरीफाई हो गया इन पास कब किया था आपने टेंथ पास कब किया वो ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है फिर उसको वेरीफाई करना है आप का जेंडर क्या है आप मेल है फीमेल है या फिर आप ट्रांसजेंडर में हैं तो उसको आपको फिल करके आपको वेरीफाई भी करना होगा आगे अगर मैं बात करूं कि वहीं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है वो फिल करेंगे और उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर और उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है इसके बाद में बात आ जाएगी आपकी ईमेल आईडी की और ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको ईमेल आईडी के लिए आपको अपनी खुद की ईमेल जो आप बराबर चेक करते रहते हैं ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड पासवर्ड नहीं भूलते हैं उसका ध्यान रखिएगा तो वो ईमेल आईडी भी आपको यहां पर करनी होगी फिल और उसको वेरीफाई भी करना होगा अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपका एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस आपको अपना फिल करना होगा जो कि आपका कॉरेस्पोंडेंस संबंधित होगा मतलब अगर कोई भी पत्राचार आपसे करना चाहता है एसएससी तो वो आप के उस एड्रेस पर हो पाए तो वो एड्रेस आपको यहाँ से फिल करना होगा फिर आपको सेव करके नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे तो जब नेक्स्ट आ, स्लाइड में जाते हैं तो नेक्स्ट में आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म आ, ओपन होगा ठीक है जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं ठीक आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी और उस कैटेगरी को वेरीफाई करना होगा आप जनरल से हैं ईडब्ल्यू से हैं आप ओबीसी से, से आते हैं आप एस सी से आते हैं तो वो आपको यहाँ आप पर फिल करके उसको वेरीफाई करना होगा नेशनैलिटी आप जाहिर सी बात है इंडियन ही है तो वो आपको फिल करना है फिर उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर कि आप ने कितने मार्क्स ऑप्टेंड किए हैं तो वो आपका या फिर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्टीन आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपकी बॉडी पे कोई भी निशान ऐसा है जिससे आपकी पहचान हो सके जैसे मेरी आंख पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एक कट का मतलब चोट का निशान है बचपन की तो इस टाइप से आपको एक एक वो फिल करना होगा हाँ एक एक आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना होगा और आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी तो उसमें अगर आप हैं तो यस करेंगे अदरवाइज की कंडीशन में नो करेंगे ठीक और वहीं अगर हम बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर अगर आप यस करेंगे तो आपको फिल करना होगा परमानेंट एड्रेस मैंने आपको बताया कि एड्रेस में वही फिल करेंगे जो आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस होगा जहां पर पत्राचार हो पाए और स्टेट किस स्टेट से आप हैं ठीक इस इन चीजों का विशेष ध्यान रखना फिर आगे जाके जब आप इस इतना फॉर्म फिल कर देंगे फॉर्म फिल इतना होने के बाद में आप स्टेट को दोबारा क्रॉस वेरीफाई मतलब उसको करेंगे कि आप किस स्टेट से हैं फिर डिस्ट्रिक्ट फिर आपका पिन कोड और अगर सेम परमानेंट एड्रेस मैक्सिमम केसेस में सेम ही रखते हैं तो उसको यस yes कर दीजिएगा प्रेजेंट और सेम एज परमानेंट एड्रेस तो उसको यस करेंगे और वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट और यूटी की तो वो आपको सेम ही रहेगी डिटेल वो अपने आप आ जाएगी फिर यहां से आप एग्री कर देंगे और इस डेटा इस डिटेल डेटे, को सेव कर देंगे ठीक है तो ये ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की ये हमने बात करी इतनी बात जो हमने करी है ये पूरी रजिस्ट्रेशन के टाइम की बात है कि जब आप अपने को रजिस्टर कर रहे होंगे ठीक है अब वहीं अगर हम आगे चलें तो आगे आपको यहां से देखना है कि दोबारा जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका फिर आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा लॉग इन के बाद में जब लॉग इन करेंगे तो फिर आपका वहां पर नाम लिख के अपने आप सारी चीजें जितनी भी डिटेल आपने फिल करी है वो डिटेल पूरी की पूरी आ जाएगी ज्यादा कुछ खास आपको नहीं करना होगा बस यहां पर आपको एक छोटा सा काम करना होगा वो छोटा सा काम इतना होगा कि आप वहां पर एक क्या करेंगे आप अपना सेंटर जो है वो चूज करेंगे और बाकी के ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर आप अपना सेंटर चूज कर मतलब अगर स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर अगर जो है स्टेनोग्राफी जो है वो अगर आपको आती है तो आप यस yes करेंगे जनरली केसेस में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए तो स्टेनोग्राफी कंपलसरी है उस उसपे आपको यस yes करना है और आप शॉर्ट uh, एंड के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी स्पीड और मैटर uh, करेगी उसमें आपकी और प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर मतलब आप अपना एग्जाम एग्जाम सेंटर कौन सा फिल करना चाहते हैं तो वो एग्जाम आप फिल कर सकते हैं एग्जाम सेंटर आप फिल कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं नोएडा करना चाहते हैं या फिर आप आपको जो सुटेबल हो वो आप फिल कर लीजिएगा यहां से फिर आगे आपको यहां से ध्यान रखना है कि आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करेंगे अदरवाइज की कंडीशन में नो फिल करना है आपको ठीक है तो तो ये तो हो गया जो डेटा मतलब जहां पर आपके रेड सर्कल होंगे स्टार होगा वो आपके लिए कंपलसरी डेटा होगा वो आपको फिल करना ही करना है आगे आगे चलें तो आगे आपके लिए यहां से एक और आ जाता है महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जिसमें अभी मैं आप सभी के साथ में बात करूंगा हा तो अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब उसमें आप एक्स सर्विसमैन है तो वो पूरी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी होगी और फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका मीडियम होगा स्किल टेस्ट का कि जो आप स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहते हैं वो वो मीडियम क्या रहेगा वो हिंदी रहेगा या फिर इंग्लिश मीडियम रहेगा आप किस मीडियम में सुटेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी चूज कर लीजिएगा आगे अगर हम बात करें कि आप किसके लिए अपियर करना चाहते हैं आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए या फिर ग्रेड डी के लिए तो वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा और Whether seeing age relaxation, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर इसको यस yes करेंगे अदरवाइज की कंडीशन में नो no ही करना है आपको ठीक है सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है ये तो पॉइंट आप इजीली कर पाएंगे सबसे ज्यादा जो इमेज का ध्यान रखना है उसकी उसकी मैं आपको बता दूंगा अभी तो यहाँ पर हायर हायर एजुकेशन आपकी क्या है वो आपको फिल करनी है क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है उसके बाद पूरा ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी एंड ऑल ये सारी चीजें डिटेल आपको फिल करनी है डू यू वांट टू मेक यो ये आप पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये चीज हो तो यहाँ पर आपको नो ही टिक करना है मतलब उसमें ज्यादा छेड़छाण नहीं करनी है जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है फिर यहाँ पर करेस्पोंडेंस एड्रेस दे दिया तो वो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ सारी चीजें अब बात आ जाती है यहाँ पर ठीक है ये मेन होता है ये बहुत ज्यादा मेन होता है मतलब थोड़ा बहुत नहीं जैसे मैं बात करूं मैंने एक बार क्या किया था कि इंप्रेशन की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे <laughs> मुझे एग्जाम नहीं देने दिया गया था <laughs> है ना तो इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको फोटो अपलोड करनी है तो फोटो भी बीस केबी से पचास केबी की होनी चाहिए जेपीजी और जेपी ई फॉर्मेट में होनी चाहिए वो और किसी फॉर्मेट में ना हो तो एक बार इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली देख लेना फोटो क्लियर होनी चाहिए आपकी एमबी का विशेष ध्यान रखना और सिग्नेचर आपको बहुत अच्छे से ध्यान से अपलोड करने हैं इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा हां ठीक <laughs> है तो कैसे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है वो वो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि आपने जो विशेष ध्यान देना है वो फोटो और सिग्नेचर पे देना है कि वो ज्यादा बड़ा ना हो फोटो कुछ इस टाइप से फोटो ना हो मतलब फोटो जो एक एक सही पैटर्न होता है वो फोटो ये है इस टाइप से फोटो कोई सेल्फी फोटो ना कोई टोपी लगा के भाई हिल स्टेशन गए हुए थे अब वही फॉर्म में भर दी फो, वही फोटो लगा दी बिलर फोटो लगा दी तो ऐसा कुछ आपने नहीं करना है उल्टी फोटो मत लगा देना उल्टी फोटो अपलोड नहीं करनी है तो इनका प्रॉपर ध्यान रखना ठीक है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बाद में बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं करता है बाद में कोई नहीं सुनता है फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद बाकी की चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि बाकी की चीजों के लिए आपको क्या करना है फॉर्म वगैरह मतलब वो सारी डिटेल मैंने आपको पूरी लगभग बता ही दी है जैसे यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन तो आपके ये है ही हैं इतने तो डॉक्यूमेंट्स हैं ही बाकी फोटो और आपका ग्रेजुएशन टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट ये आपके लिए कंपलसरी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक तो चलिए फिर सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसी के साथ में यहीं पे एंड करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी कि नेक्स्ट किसी वीडियो में तक तब तक के लिए नमस्कार मेरी हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है एसएससी एग्जाम्स सी एग्जाम पर स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली तीन बजे मेरी क्लास होती है फिर रीजनिंग की क्लास होती है तीन बजे जीके जीकेजीएस की फिर रीजनिंग की फिर इंग्लिश की दो घंटे की क्लास तो रेगुलर आपको हमारे साथ में बने रहना थैंक यू सो मच जय हिंद आप सभी अपना ध्यान रखिएगा